हेलो दोस्तों, संतोष मैथ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। हम प्रश्नावली आज 12.2 बनाएंगे। क्लास 10th का है, NCERT का। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण जो है 60 डिग्री का है। और दूसरा सवाल है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी परिधि जो है 22 सेंटीमीटर है। तो आइए सबसे पहले हम पहला नंबर बनाते हैं। इसमें दिया हुआ है वृत्त की त्रिज्या, तो लिखिएगा चूंकि वृत्त की त्रिज्या r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या हो गया 6 सेंटीमीटर। और थीटा का मान कितना है? थीटा बराबर लिखिएगा 60 डिग्री। तो इसलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान रखेंगे हम 60 डिग्री बटा 360 डिग्री गुना 22 बटा 7 गुना 6 गुना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए त्रिज्यखंड बताए थे हम, फार्मूला वाले वीडियो में आप लोग देखिएगा, त्रिज्यखंड के बारे में समझाया है कि केंद्र O से लेकर अगर दो त्रिज्याएं एक साथ और थीटा का मान जो है 60 डिग्री है, तो मान लीजिए 60 डिग्री हो और यहाँ पे O है और A B है, तो O A B ये पूरे को लेके, इस चाप को लेके जो है पूरा त्रिज्यखंड कहलाएगा। तो इस त्रिज्यखंड का जो है क्षेत्रफल निकालना है। तो थीटा का मान हो गया 60 डिग्री, आर का मान दिया है 6 सेंटीमीटर। इसका जो है हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है इस त्रिज्यखंड का, इसको लघु त्रिज्यखंड बोलिए या त्रिज्यखंड बोलिए। तो थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर होगा, कटा दीजिए, 60 से 360 कटेगा, 60 से 360 कटेगा तो 6 मर्द में कटेगा और 6 से 1 6 खत्म हो गया। तो बचा क्या, 22 गुना 6, तो 22 में 6 से गुना कीजिएगा तो 132 आ जाएगा अब बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी है, आराम से बन गया। दूसरा देखिएगा, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी परिधि जो है वो आपको 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो परिधि दिया हुआ है, परिधि का मतलब होता है किसी वृत्त के किनारे किनारे की लंबाई, किनारे किनारे की लंबाई दिया हुआ है। आर का पता नहीं है कि आर कितना है, त्रिज्या कितना है ये पता नहीं है आपको, आर का पता नहीं है इसमें। तो परिधि का पता है तो लिखेंगे चूंकि वृत्त की परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, तो लिखेंगे 2 पाई आर इजकल टू 22, या लिखिएगा 2 गुना 22 बटा 7 गुना आर बराबर 22, या 22 गुना 44 गुना आर बराबर हो जाएगा 22 गुना 7। बटा में का 7 किधर जाता है? उधर जाता है, तो बराबर के इधर जाएगा, ये भाग वाला है तो इधर जाएगा, गुना में बन जाता है, बदल जाता है। अब चलिए गए, इसलिए r बराबर लिखिएगा, r रुकिए इधर, एक गुना में है इधर जाएगा तो भाग बन जाएगा 22 गुना 7 बटा 44, 22 गुना 44 कट जाएगा, ये आपका आ जाएगा 7 बटा 2 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या हो गया। अब निकालना है हमको वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे इसलिए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/4 गुना पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 लिखेगा, पाई का मान 22/7 रखिएगा और आर स्क्वायर का मान, आर का मान रखिएगा 7/2 गुना 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो जिससे कट जाए कटा दीजिए, 1/7 से 1/7 कट जाएगा, 2 × 4 कटेगा, 2 × 11 = 22 कटेगा। तो बचा क्या, 11 × 7 = 77 बटा 2 × 4 = 8 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका जो होगा आंसर हो जाएगा। अगर मेरा बनाया हुआ वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।